मेरठ थाना मुंडाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के रहने वाले आजाद उर्फ अज्जू ने दुष्कर्म किया, जिसके तहत धारा 338 व 376 के तहत थाना मुंडाली ने मुकदमा पंजीकृत कर दोनों को जेल भेज दिया। तभी से आजाद उर्फ अज्जू के पक्ष वाले साबिया के घर वालों पर फैसले का दबाव बना रहे हैं। उनसे कहते हैं कि अगर तुम लोग हमारे बच्चे आजाद उर्फ अज्जू को जेल से बाहर नहीं निकलवाते हो तो हम लोग तुम पर झूठा केस लगवा देंगे, जिसके कारण से साबिया और उसके परिवार वाले बहुत डरे हुए हैं। उसमें जो गवाह थे हमारे, उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट रेप की लिखाई है उन्होंने पहले केस में जो है वो, और इस बात का दबाव डाल रहे थे कि या तो फैसला करो, बयान हमारे हक में दो, एक चीज और है साहब, लड़की कह रही है मीडिया के सामने के 2 बजे रेप हुआ मेरे साथ और 8:30 बजे फोन नंबर खुल गई सुबह को और थाने में पहुंचती 10 बजे सुबह को। आप देखिए कितना झूठ है, सब कुछ झूठ है। 2 बजे कह रही है कि रेप हुआ, मैं पानी लेने के लिए गई थी नल पे, इस समय तो उसके घर में नल भी है, लेकिन वो कह रही है कि मैं पानी लेने गई थी नल पे, समझ सही घर में है उसके, नल भी उसी घर में है और पानी लेने बाहर जा रही है वो लड़की, चार बच्चों की माँ है, चार बच्चों की माँ है। 8:30 फोन कर दिया 100 नंबर को और 10 बजे थाना पूछ रही है, पूरी वीडियो इस चीज की बनी हुई जो कह रही है कि मेरा रेप हुआ, वो लंगड़ा 8:30 बजे फोन कराया, जो आदमी कहे वो वैसे भी एक एक तीसरे आदमी का और फरियाद मतलूम उनके खिलाफ गवाह है 76 में ऑलरेडी।